बाबा ने हम सबको अनादि स्वरूप की पहचान दी, आदि स्वरूप की पहचान दी। मध्यकाल में जो हम सबने भक्ति प्रारंभ की, द्वापर युग में, उस भक्ति काल की भी पहचान दी। और अंत समय में जब बाबा हम सबको मिला, किनको मिला ये भी पहचान मिली। और पहचान के साथ साथ ये निश्चय हो गया कि बाबा संगम युग पर उन्हीं बच्चों को मिलता है जो बहुत बहुत पुराने भक्त हैं। ये बात शायद कोई ने अभी तक न महसूस की हो, क्योंकि इस जन्म में कईयों ने तो भक्ति की ही नहीं है। हमने ही नहीं की, बचपन में बाबा के बच्चे बन गए। भक्ति क्या होती है, तीर्थ क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन बाबा ने हम सबको ये पक्का कराया कि बच्चे तुम सब बहुत बहुत पुराने से पुराने भक्त हो। तुमने जितना शास्त्रों की स्टडी की है उतना कोई ने नहीं की, वो तो सब नए भक्त हैं। मैं पुराने भक्तों को ही भक्ति का फल देने के लिए आता हूँ। और सचमुच इस ज्ञान मार्ग में वही बच्चे फास्ट स्पीड से आगे बढ़ते हैं जिनका भक्ति काल पूरा हुआ। बाबा उन्हीं बच्चों को ज्ञान और योग सिखा करके भक्ति का फल गति और सदगति देते हैं। तो पहला निश्चय तो मैं समझता हूँ बाबा के हर बच्चे को ये बहुत पक्का है कि मैं देवी देवता घराने की आत्मा इस चक्र में पार्ट प्ले करते करते अंतिम समय में पहुंची हूँ और बाबा ने मुझे सेलेक्ट करके अपना बच्चा बनाया है। बाबा की सिलेक्शन रांग तो नहीं हो सकती। जरूर वही देवता घराने की आत्माएं भगवान को पहचानेंगी, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगी, श्रीमत पर चल करके दिव्य गुणों को धारण करेंगी। उनके लिए कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं होगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। नहीं तो आजकल की दुनिया में लोग समझते हैं कि इतना बड़ा कलयुग का विस्तार, माया का पांप, बाबा कहते हैं, जबकि चारों ओर विकारों की आग लगी हुई है, ऐसे समय में सहज रीति से अपनी जीवन निर्विकारी बना लेना और घर गृहस्थ में रह करके पवित्रता के व्रत को पालन कर लेना, ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल बात है। लेकिन बाबा के बच्चों के लिए कभी भी ये नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है। कहते हम तो देवता थे, हमने तो कलप कलप इन विकारों को जीता था, हम ही पावन बने थे और बाबा अभी मुझे फिर से ऐसा बना रहा है। जिस बच्चे को ये निश्चय है उनका समय युद्ध में नहीं जाता, अधिक समय वो विकारों से युद्ध में नहीं गंवाते, वो अनुभव ही करते हैं मैं तो बाबा आपका विजयी बच्चा हूँ, कलप कलप मैंने विजय पाई है, इन विकारों के अभी अधीन हो गए थे लेकिन यही मेरे अंत समय में दास बने, इन पर मैंने जीत पाई और मैं विजयी बाबा का विजयी रतन हूँ। अगर ये निश्चय है तो पुरुषार्थ करते हुए बहुत निश्चिंत स्थिति में हम रह सकते हैं। तो स्वयं के प्रति हर एक अपने निश्चय की डिग्री को देखना, निश्चय कितना है और उस निश्चय के आधार से हमारी जीवन कितनी निश्चिंत बनी है, कैसे हम इस कलयुग की दुनिया में बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहते हैं, वो हमारे निश्चय की परिभाषा है।
to watch Peace of Mind channel videos on YouTube. Subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.